हमारा जो एग्जाम हो रहा है इस टाइम, इन्होंने क्या किया है कि खुले में टेंट लगवा के एग्जाम ले रहे हैं, बिल्कुल बिना क्लासरूम के, खुले में इतने ठंड में बैठा गया। और पूछना, मुझे अंदर गए टी मैम को बोला तो मैम कह रही है कि क्या करें, हम उसके हीटर लगवा देते तुम लोगों के लिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हीटर लगवा देते। ये साफ तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे वंचित समुदाय से, समाज के गरीब परिवार से पढ़ने वाले छात्र युवा यहाँ पर आते हैं, उनके साथ एक साफ तौर पर ये विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच और पर्दाफाश करता है। कई सालों से यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक सौतेला व्यवहार समाज के अल्पसंख्यक युवाओं के हिस्से को उसको रेगुलर में जगह नहीं देती यूनिवर्सिटी, उसके साथ जो छिछला व्यवहार होता है उसका ये प्रतीक हमारे सामने आया है। दिसंबर के महीने में जो परीक्षाएं शुरू होती हैं उनमें हम देखते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में और अरविंदो कॉलेज में छात्रों को कड़ाके की ठंड में जहाँ पर क्लासेस के अंदर बैठकर परीक्षा देना मुश्किल हो रहा है छात्रों के लिए, तपते हैं छात्रों के, खुले में तंबू लगाकर छात्रों से एग्जाम दिलवाया जा रहा है। ये मंजर उस हालत में हम देख रहे हैं जहाँ पर ये छात्र दो साल से दो गुना बढ़ी हुई फीस दे रहे हैं, एग्जामिनेशन फीस दे रहे हैं, हर तरीके की फीस जिससे बढ़ी हुई वसूली जा रही है। उसके बाद यहाँ की जो डायरेक्टर है स्वयं की वो बेशर्मी के साथ कहते हैं छात्र बन गए हैं और छोटा पड़ गया है, इसलिए हमको आप एक बात बताइए, ये जो इतने छात्र हैं, ये जो बढ़ी हुई फीस दे रहे हैं, फीस क्या आप कटा रहे हैं क्या? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नो नो आवार ढाई ढाई गुना बढ़ी हुई फीस पिछले दो साल दे रहे हैं, एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड करके उसके बाद आप छात्रों को इस तरीके से रहे बसेरे करते हैं हालत में बैठा कर आप एग्जाम दिलवा रहे हैं, ऐसी हालत में जहाँ पर ना उन्हें क्लासेस मिली है, ना टाइम पर स्टडी मटीरियल मिला है, ना एग्जामिनेशन की कोई तैयारी कराई गई, ना उनको लाइब्रेरी मिलती है। उसके बाद एग्जाम देने की बारी आती है तो भी ऐसे प्रशासन दिखा देता है कि इनकी हैसियत, इनकी काबिलियत तमीज से छात्रों के साथ एक डिग्निफाइड तरीके से एग्जाम तक दिलवा पाने की।